नमस्कार, मैं हूं अंकुश शर्मा और खास खबरों में स्वागत है आपका। पहली खबर का रुख करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर गलत सूचना देने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली अदालत में 24 जून को आदेश जारी करेगी। इससे पहले 1 जून को ही सुनवाई में कोर्ट ने सुनवाई से गैर हाजिर रहने पर शिकायतकर्ता पर जुर्माना लगाया था। 1 जून को पटियाला हाउस अदालत के महानगर दंडाधिकारी आकाश जैन के सामने इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन शिकायतकर्ता अहमद खान पेश ही नहीं हुए। अदालत ने इस नाराजगी जाहिर करते हुए शिकायतकर्ता पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया था और अगली तारीख में मौजूद रहने का निर्देश भी दिया था। स्मृति ईरानी जी ने 3 एफिडेविट फाइल करे हैं। 1 2004 में किया है, जिसमें अपनी क्वालिफिकेशन बीए पास 1996 में कर ली उन्होंने। उसके बाद 1 एफिडेविट जुलाई 2011 में किया है, मंथ शायद जुलाई है, पक्का नहीं है, लेकिन 2011 में किया है, जिसमें उन्होंने बीकॉम पार्ट 1 बताया है। फिर एक एफिडेविट उन्होंने 2014 में अप्रैल में दाखिल किया है, जिसका बताया कि बीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी। मेरे ख्याल ओपन यूनिवर्सिटी 1994 में थी नहीं, पक्का नहीं है, लेकिन अब देखते हैं। कोर्ट ने अब 2 क्वेरीज रखी हैं हमारे आगे, कि एक तो लिमिटेशन की, दूसरा कहीं हिंदुस्तान में और किसी ने ऐसी कंप्लेंट तो नहीं कोई फाइल कर रखी है, और नेक्स्ट डेट 24 जून फॉर कॉग्निजेंस पर ऑर्डर करने के लिए रखी है। कॉग्निजेंस अगर कोर्ट लेती है तो क्या प्रक्रिया होगी और क्या होगा, अगर कॉग्निजेंस ले लिया जाता है तो उनको समन किया जाएगा, तो उनकी कोर्ट में पेशी होगी, जमानत होगी, और जो भी प्रक्रिया अपनाएगी कोर्ट वो कोर्ट पे उस समय निर्भर करता है। चूंकि वो सिटिंग मंत्री हैं इस समय, तो उस समय कोर्ट उनको एग्जेम्प्ट भी कर सकती है। डिपेंड करता है कि कोर्ट उस समय क्या मेथड अपनाती है। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि अति सक्रिय सुपर एक्टिव प्रधानमंत्री उन्हें सहयोग मिलता है, वह कोई भी चुनौती नहीं है। स्वराज ने यह भी कहा कि पीएम ने उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, बल्कि वह खुद सुर्खियों से दूर रहना चाहती हैं। वो देश नीति के मोर्चे पर पिछले 1 साल में एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सुषमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो इसलिए खबरों में कम रहती हैं क्योंकि वो अपनी भूमिका के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा, जहां तक खबरों में कम रहने की बात है तो ये मेरा काम नहीं है, प्रधानमंत्री ने किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है और मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने माओवादियों से राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भोले भाले युवाओं को गुमराह करना छोड़कर इन माओवादियों को बस्तर अंचल के दंतेवाड़ा और सुकमा जैसे जिलों में नई पीढ़ी के निर्माण के लिए पहले ही आजीविक प्रशिक्षण प्रणाली जैसी परियोजना को देखना चाहिए। इसी के चलते राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ में एक पुलिस स्टेशन का उद्घाटन भी किया। छत्तीसगढ़ की सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, भारत की सरकार श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का विकास करना चाहती है, लेकिन यह नक्सलवादी ताकतें विकास को रोकने पर आमादा है। लेकिन केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों ने यह संकल्प लिया है, चाहे कितनी भी बाधाएं आएंगी, सारी बाधाओं को हम समाप्त करेंगे और छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश का हम विकास करेंगे। यह हम सभी का यह संकल्प है। गूगल के हालिया डूडल ने बीते दौर की मशहूर अभिनेत्री नरगिस दत्त को उनके 86वें जन्मदिन के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। गूगल के लोगों में दिवंगत अभिनेत्री का चित्र लगाया गया, जिसमें उन्होंने दोनों हाथों से अपना दुपट्टा पकड़ा हुआ है। नरगिस का असली नाम फातिमा राशिद था। उनका जन्म 1 जून 1929 को हुआ था। वो पहली बार पर्दे पर साल 1935 की तलाश में आई थी, लेकिन उनके अभिनय करियर की शुरुआत 1942 में तमन्ना में हुई। 1940 के दशक से 1960 के दशक तक करियर में नरगिस ने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में काम किया। और अगली खबर का रुख करते हैं। नेपाल में 25 अप्रैल को आए भूकंप और उसके झटकों से हुई तबाही के बाद रविवार को काठमांडू घाटी और अन्य जिलों में स्कूल दोबारा से खोल दिए गए। नेपाल में आए इस विनाशकारी भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.9 मापी गई थी। नेपाल के शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 5 हफ्तों तक बंद रहने के बाद पहले दिन बहुत ही कम संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे, केवल 25% छात्र स्कूलों में दिखे। एक सरकारी अधिकारी ने स्कूलों में छात्रों की कम संख्या के लिए अभिभावकों को बच्चियों की सुरक्षा की चिंता को लेकर जिम्मेदार बताया। उन्होंने बताया कि पिछले महीने आए भूकंप की ओर से झटकों में स्कूलों की इमारतों में दरार आ गई। इसके अलावा कई जगहों पर स्कूल और उससे जुड़ी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। इन दैट वे एट द हाउस वी हैव टू सिट अलोन एंड वी हैव नॉट थिंग टू डू एट ऑल। एक महीना पछि भेटी जाता सभी साथीहरु छन, रमाइलो भइरहेछ। और खास खबरों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और बड़ी खबरों की।
और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं अगली खबर का। गर्मी बढ़ने के साथ ही बारी दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। इसमें कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा, और जहां तक टैंकरों का सवाल है तो वो भी बहुत महंगे आ रहे हैं। वहीं मुंडका, बवाना, नरेला और रोहिणी के दूर दराज क्षेत्रों में लोगों को टैंकर का पानी भी नसीब नहीं हो रहा। स्थिति यह है कि लोग बाजार से पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। इन परेशानियों के बावजूद पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए संबंधित विभाग कोताही बरत रहा है। और अगली खबर रुक करते हैं खेल के मैदान का। टीम इंडिया के तीन दिग्गज पूर्व क्रिकेटर अब बीसीसीआई के सलाहकार समिति में होंगे। सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण को बीसीसीआई का एडवाइजर बनाया गया है। बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, वेलकम थैंक्स सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण बीसीसीआई ज्वाइन करने के लिए। ये नई पारी की शुरुआत है, हमें आपका मार्गदर्शन और सपोर्ट मिलेगा। सूत्र बता रहे हैं कि एडवाइजर के अलावा सचिन तेंदुलकर बैटिंग कोच की भूमिका भी नजर आएंगे। बीसीसीआई के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने कुछ समय पहले सौरभ गांगुली को लेकर यह साफ किया था कि वो जल्द ही बोर्ड के एडवाइजर बनेंगे। हालांकि इससे पहले गांगुली को टीम इंडिया कोच की भूमिका में भी नजर आने वाले थे। और वहीं अमेरिका की बहुराष्ट्रीय क्लोथिंग एक्सेसरीज ब्रांड गैप ने शनिवार को यहां एक मॉल में अपना पहला स्टोर खोला है। स्टोर का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने किया। कंगना ने दक्षिण दिल्ली के सिलेक्सिटी मॉल में जबरदस्त भीड़ की मौजूदगी में स्टोर का उद्घाटन किया। ये स्टोर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए गैस समर के लिए 2015 संग्रह लेकर आ रहा है। I love Gap, and I'm not just saying because I'm inaugurating the store today, but you can actually Google my picture and see me in Gap most of the time. Yeah, you know, I think I completely identify. It's young, it's cool, it's comfortable, and for a working girl like me, you know, who has to sometimes change, like, you know, maybe 20 times in a day, you know, and it is so easy to be in Gap clothes, and they love, it's really love. खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।